हाय फ्रेंड, आशा करते हैं आप सब ठीक है। आपके सारे बार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं और आज आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बार्ड्स एट बार्ड्स बीडर्स। तो आज आप डिस्कस करने वाले हैं कॉकटेल वर्ड के ऊपर कि कॉकटेल वर्ड का ब्रीडिंग सीजन कौन सा है, मैं कितना बार अपने कॉकटेल से बच्चे निकालता हूँ और कभी मैं इसको रेस्ट देता हूँ या नहीं देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये सब एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था, एक ही क्वेश्चन कॉमेंट था, उसमें दो तीन क्वेश्चन था, ये जो मैंने बताया अभी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दो, मेरा जो सारा कॉकटेल है मैं इनको ठंड के टाइम में रेस्ट देता हूँ, ठीक है। गर्मी में इनको मैं रेस्ट नहीं देता क्योंकि मेरे ख्याल से कॉकटेल का जो ब्रीडिंग सीजन है गर्मी में अच्छा होता है, ब्रीडिंग गर्मी में और उसका ब्रीडिंग सीजन होता है। बरसात का पानी जब गिरता है ना उसमें ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं और उस टाइम में इसका सबसे अच्छा ब्रीडिंग होता है बरसात के टाइम में। गर्मी में टाइम में इसका अच्छा ब्रीड होता है लेकिन उससे भी अच्छा होता है बरसात के टाइम में। अब अगर कॉकटेल करते हो तो मेरे ख्याल से आपको ठंड के टाइम में थोड़ा रेस्ट देना चाहिए और गर्मी में टाइम आप फुल ब्रीडिंग ले सकते हो। मेरे पास अच्छा खाना वगैरह दे के मैं उनको फुल ब्रीडिंग देता हूँ गर्मी में। हाँ, गर्मी में बचने के लिए इसको कुछ इलेक्ट्रोल वगैरह मैं यूज करा देता हूँ कभी कभी। और यहाँ पर सेटअप में एक पंखा लगाया हुआ है, आपको दिखा देते हैं, थोड़ा देख लीजिए ऊपर दिख रहा है आपको। ये पंखा ना सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक पूरा चलता है, बंद नहीं होता क्योंकि बाढ़ को भाई छत के ऊपर मेरा सेटअप है, धूप बहुत रहती है, गर्मी होता है घर के अंदर, वो जो पंखा है वो हवा करता रहता है और घर को ठंड करता रहता है, जिसके वजह से बाढ़ को कोई प्रॉब्लम वगैरह गर्मी में ब्रीडिंग में नहीं आता। और उसके बाद से जो क्वेश्चन था, मैं कितने बार ब्रीडिंग लेता हूँ अपने कॉकटेल से, मैं साल भर में किसी किसी प्यार से 4 बार बच्चे लेता हूँ और किसी किसी प्यार से 5 बार, लगभग 4-5 ब्रीड में एक एक प्यार से मैं ले लेता हूँ। जो प्यार जो है ना 2-3 करके बच्चे निकालते हैं वो प्यार से मैं 5 बार ब्रीड लेता हूँ। जो प्यार 4-4 करके अंडे ले, मतलब कुछ प्यार है मेरे पास जो 4-4 करके बच्चे निकालते हैं, 5-6 अंडे देते हैं लेकिन 4 बच्चे उसको निकाल के बड़ा कर देते हैं, उन प्यार से मैं 4 से ज़्यादा ब्रीड नहीं लेता। गर्मी के मतलब ठंड चला गया, ब्रीडिंग पर बिठाया, 4 क्लब का हो गया, फिर मैं उसको रेस्ट दे रहा हूँ अगले साल के लिए, ठीक है। इस तरह से मैं अपने कॉकटेल को ब्रीडिंग में देता हूँ। जो दोस्त का क्वेश्चन था कि कभी मैं ब्रीडिंग लेता हूँ या नहीं, सबको आशा करते हो उसका आंसर मिल गया, ठीक है। आप भी ये कर सकते हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ जो है आपका बाघ का न्यूट्रिशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसका अच्छा खाना देना पड़ेगा, उसको पानी वगैरह में थोड़ा इलेक्ट्रोल कुछ भी यूज करना पड़ेगा गर्मी में, ठीक है। और एक जो है वीडियो आएगा बहुत जल्दी कॉकटेल वर्ड का सामर केयर के ऊपर, ठीक है। वो भी आप वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक देना, चैनल में नए हो जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं कॉकटेल बजी स्क्रीन रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।